हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको व्लॉग के टाइटल से ही पता चल गया होगा कि ये व्लॉग है आपके भाई के इंट्रोडक्शन पर। हु आई एम, मतलब कि आज तक मैंने क्या क्या अचीव किया है, मैं क्या करता हूँ, मुझे क्या करना पसंद है, मेरी दिलचस्पी किन चीज़ों में है, मेरे इंटरेस्ट क्या हैं, ये सब आपको आज जानने को मिलेंगे। चूँकि आजकल हम हैं घर पर क्वारंटाइन और टॉपिक्स भी हमारे पास आजकल बहुत कम होते हैं, डेली दिखाने के लिए भी बहुत कम होता है कि यार लाइफ में आजकल कुछ इतना खास चल रहा ही नहीं कि आपको आपका भाई दिखा सके। तो आपके भाई ने सोचा कि आज आपको इंट्रोडक्शन देते हैं, बोले तो एकदम काम 25 करते हैं। मेरा ताल्लुक जलालपुर पीरवाला से है, जो कि एक तहसील है मुल्तान की। मुल्तान की चार तहसील हैं, जिसमें मुल्तान शहर में दो आ जाती हैं, एक शुजाबाद आ जाती है और एक जलालपुर आ जाती है। और आपके भाई का ताल्लुक है जलालपुर पीरवाला से। तो भैया, चक्कर ये है कि आपका भाई आजकल बहुत कुछ कर रहा है, लाइक आई एम डूइंग व्लॉगिंग, और उसके अलावा जी मैं रेबॉक्स मीडिया, एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है, उसमें एज एन एसोसिएट डायरेक्टर कभी काम कर लेता हूँ, कभी असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर लेता हूँ, या तो फिर कभी आपका भाई एज एन एक्टर काम कर लेता है। और उसके अलावा डिग्री की बात की जाए तो भैया आपका भाई जो है ना, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी से बैचलर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, और आपके भाई का इस टाइम चल रहा है लास्ट सेमेस्टर। अगर आजकल मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ तो एक बात माइंड में रखिएगा, अगर हमाद कोई काम कर रहा है तो उसका दिल होगा उस काम में, उसमें दिलचस्पी रखता होगा, उससे मोहब्बत या इश्क करता होगा तो वो कर रहा होगा, वरना मैं कभी वो काम करता ही नहीं जिससे मेरा दिल मतलब सेटिस्फाइड ही ना हो। सो नंबर वन डेफिनेटली व्लॉगिंग। नंबर टू है जी थिएटर। थिएटर इज़ लाइक एक मजहबी इंसान के लिए जैसे इबादत होती है ना, उसी तरह से थिएटर मेरे लिए है। मतलब लाइक मैं इबादत की तरह थिएटर को करता हूँ, और हमेशा कोशिश करता हूँ कि यार जो भी काम करूँ दिल लगा कर करूँ और अच्छा काम करूँ। और यही वजह है कि मुल्तान में जब अच्छे थिएटर की बात की जाती है तो हमारा ही नाम, मतलब मोस्टली भाई का नाम कहीं ना कहीं आ जाता है। ये अल्लाह ताला की इज़्ज़त है, अल्लाह ताला ने नवाजा है, क्योंकि बात वही है कि जो काम दिल से करता है ना इंसान, अल्लाह ताला उसकी जो मेहनत है ना दिल वाली, वो कभी ज़ाया नहीं होने देता। तो यही बात है कि ना आज तक कभी कोई ऐसी वर्कशॉप ली है, या किसी अच्छे बंदे के साथ टाइम स्पेंड किया है, या किसी अच्छे ग्रुप के साथ काम किया है, जो कुछ भी सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पे थिएटर देखे हैं, और आल पाकिस्तान कॉम्पिटिशन्स में अपने जो यूनिवर्सिटी के दोस्त वगैरह होते हैं उनकी परफॉर्मेंसेस देखी हैं, और ये सारा कुछ जो कुछ भी आज हूँ मैं हमाद मुगिरा, जो कुछ भी है आज तक हमाद मुगिरा ने कोई भी चीज़ नहीं सीखी, जो कुछ भी है इसने सिर्फ आँखों से देखा और सीखा। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि मतलब लाइक आई वॉज़ इन डीप डिप्रेशन के काश हमें भी कोई काम सिखाने वाला होता, मतलब काश कोई डायरेक्टर होता जो ऊपर से डंडा देता कि यार भाई तूने ये काम करना है, मुझे ये करेक्टर चाहिए करना है, और ये वो। सो ऐसा बहुत कम करने को मिलता है मुल्तान में, और ये बहुत बुरा है। सो आई होप कि इंशाल्लाह ताला मुल्तान की मार्केट भी थिएटर के हवाले से इंशाल्लाह अच्छी हो। बहुत सारी हैं, मतलब मैं कुछ बता ही नहीं सकता, इस तरह की भी हैं बहुत सारी हैं। और लेकिन एक सबसे जो सबसे बुरी है वो ये कि मैं अपने साथ की हुई कमिटमेंट्स पूरी नहीं कर पाता, आई डोंट नो वाई। और ये मुझे यकीन नहीं होता, लिटरली यकीन नहीं होता कि मैं किस तरह से आज मुझे 10वां दिन है मैं डेली व्लॉगिंग कर रहा हूँ। सो ये मेरे लिए बहुत ख़ास बात है कि शायद ये मेरी बुरी आदत अब अच्छी हो रही है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी बुरी आदतें हैं। दुआ कीजिए कि वो बुरी आदतें ख़त्म हो जाए, मैं एक अच्छा बच्चा नेक बच्चा बन जाऊँ, दुआ कीजिए मेरे लिए। अगर बात की जाए वाकई थिएटर के एक्टर की, तो डेफिनेटली इट इज़ नॉन अदर देन सरमत खुसट। सरमत खुसट इज लेजेंड, इज ग्रेट, इज अमेजिंग, इज डैम। सो माई फेवरेट थिएटर एक्टर इज सरमत खुसट एंड नवाजुद्दीन सदीकी। और फिल्म की बात की जाए तो उसमें भी क्या कहते हैं जी, नवाजुद्दीन सदीकी, इरफान खान आर बोथ माई फेवरेट फ्रॉम बॉलीवुड एंड लॉलीवुड की बात की जाए तो। येस, आई वॉन्ट टू इंक्लूड वन मोर नेम, एंड दैट इज़ फैसल कुरैशी फ्रॉम पाकिस्तान। ही इज़ अमेजिंग, सो अमेजिंग, सुपर एक्टर। और एक और एक्टर है जिसका नाम मैं लाजमी लेना चाहूँगा, और आई नो उसको मैंने यहाँ से यहाँ जाते हुए देखा है, आई डोंट नो उसकी पर्सनल लाइफ कैसी है, उसको आप हरेसर बोलो या जो कुछ बोलो,
मैं, मेरे लिए ये मैटर नहीं करती, मेरे लिए उसका काम मैटर करता है। मैं उसको देखूंगा उसकी पर्सनल लाइफ में जो कुछ चल रहा है, उसने हैरेस किया वट एवर, वो कोर्ट्स का फैसला है, वो कोर्ट्स फैसला ही देंगे। आई एम नो वन टू जज इट। सो ही इज़ नन अदर देन मोहसिन अब्बास हैदर, और ही इज़ अमेजिंग, सो अमेजिंग, और बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत अच्छा एक्टर। जितनी उसकी तारीफ की जाए बहुत कम है, और उसने दिन ब दिन खुद को इम्प्रूव किया है। सो दीज वर माई फेवरेट फ्रॉम फिल्म एंड थिएटर। यार आपके भाई ने 19 साल की उम्र में एक कमर्शियल म्यूजिकल थिएटर किया था, और मेरे ख्याल से 19 साल की उम्र में इस तरह का काम करना काइंड ऑफ मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स, मतलब कमर्शियल प्ले करना एक नॉर्मल गाय के लिए इज़ नॉट एन इजी थिंग टू डू, बिकॉज क्योंकि फाइनेंस भी देखने होते हैं, इस तरह की बड़ी चीज़ें होती हैं। सो 19 साल की उम्र में मैं नहीं समझता कि मुल्तान में आज तक किसी ने कमर्शियल प्ले थिएटर को डायरेक्ट किया होगा या पाकिस्तान में किया होगा। सो इट इज़ एन बिग अचीवमेंट फॉर मी। और उसके साथ उसी प्ले में ही बात करें तो अरशद खान चाय वाला भी, उसमें हमने एक दो डायलॉग्स उससे करवाए थे स्पेशल अपेयरेंस में, और बाकी हमारे पास उसमें डांस, क्योंकि म्यूजिकल प्ले था तो उसमें डांसर्स जो थे अल्हम्दुलिल्लाह आज वो डांसर्स मतलब इतने अच्छे डांसर्स थे, वो सारे आजकल लक्स स्टाइल अवार्ड्स और मतलब जितने भी बॉलीवुड के एक्टर्स हैं उनके साथ डांस कर रहे होते हैं। सो इट वॉज़ ग्रेट एक्सपीरियंस और वन ऑफ माई बिगेस्ट अचीवमेंट इन माई लाइफ। और दूसरी अगर बात की जाए, ऑल पाकिस्तान कॉम्पिटिशन्स में मैंने बहुत सारी परफॉर्मेंसेस दी, और हमेशा ही मैं छोटे करेक्टर्स के साथ गया या मुझे दिया गया छोटे करेक्टर्स दिए गए। सो अल्हम्दुलिल्लाह आई डिड विद ऑनेस्टी, हमेशा दिल से काम किया, चाहे दो डायलॉग्स होते चाहे तीन डायलॉग्स होते थे, हमेशा दिल से काम किया था। और अल्लाह ताला ने इसी का ही सिला दिया मुझे कि छोटे छोटे करेक्टर्स ने ही मुझे अवार्ड दिलवाए, और जिसमें सबसे मेरे लिए जो खास था वो था कि जहद 19, जो कि मेरे ख्याल में आज से 1.5 साल पहले आई थिंक उस गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में कंपटीशन हुआ था जहद 19, वहाँ पर मुझे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के अवार्ड से भी नवाजा गया। सो दीज आर माई लिटल लिटल अचीवमेंट्स। और मैंने बहुत सारे प्ले डायरेक्ट भी किए हुए हैं, बहुत सारे प्ले मैंने लिखे भी हुए हैं। और ओके माई फेवरेट एक्ट्रेस, यार देखें मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, किसी का भी नहीं लूँगा, सिर्फ एक का नाम लूँगा, वो है सबा कमर। जहाँ से एक्टिंग शुरू होती है, जहाँ पे एक्टिंग ख़त्म होती है, वो एक बहुत बहुत बड़ी खुली किताब है। और मेरे ख्याल में अगर किसी को एक्ट्रेस बनने में इंटरेस्ट है तो आई थिंक उसका रोल मॉडल सबा कमर होना चाहिए। शी इज़ अमेजिंग, शी इज़ मोर देन अमेजिंग, आई एम बिग 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 फैन ऑफ हर। बींग ऑनेस्ट विद यू, मेरी वीकनेस ये है कि यार मैं लोगों के साथ जो ना अटैच्ड जल्दी हो जाता हूँ, और मैं ये नहीं सोचता कि यार उसके रिजल्ट्स क्या होंगे या उनसे जो एक्सपेक्टेशंस लगा ली हैं क्या वो पूरी भी हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। सो एट द एंड बहुत हर्ट करती हैं ये चीज़ें। सो इट इज़ माई वीकनेस। बींग एन एक्टर, मेरी ज़िंदगी में सबसे स्पेशल मोमेंट कौन सा था? यार स्पेशल मोमेंट एक तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब जाहिद में मुझे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला था, सो आई कांट बिलीव कि आई डिड इट, आई फाइनली डिड इट, बिकॉज हमेशा छोटे रोल्स करने को मिलते थे और छोटे रोल के साथ आई डिड इट, सो यकीन नहीं होता था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। और नंबर टू, यार रिसेंटली मैंने आज़ाद फिल्म्स के साथ एक एडवर्टाइजमेंट कमर्शियल था, सो उसमें मैंने काम किया, टीवी कमर्शियल था, सो उसमें मैंने काम किया। तो वहाँ पर जब मुझे मेरे ऊपर कैमरे थे और वट एवर आई एम डूइंग ऑन द सेट, सो मेरे लिए सबसे स्पेशल बात ये थी कि मेरे पास पाकिस्तान का टीवी कमर्शियल का सबसे बेहतरीन डायरेक्टर 3 दफ़ा चल के आया, और 3 दफ़ा उसने आके मेरी एक्टिंग की तारीफ़ की, एक्सप्रेशन की तारीफ़ की। सो वो मेरे लिए बहुत बहुत स्पेशल मोमेंट था, मतलब वो जैसे कहते हैं ना, बहुत बहुत मज़ा आ गया, मनु फिर मज़ा आ गया, उस तरह वाला बहुत बहुत स्पेशल था वो मेरे लिए। सो दैट वॉज सो स्पेशल। और वो डायरेक्टर मैं शायद आपको नहीं बता सका, वो उन डायरेक्टर का नाम था जी जामी मोर, और आज़ाद फिल्म्स के वो डायरेक्टर हैं। रिसेंटली एक मोर फिल्म आई थी, मोर फिल्म आई थी तकरीबन कोई 3-4 साल पहले, तो उसके डायरेक्टर भी जामी मोर साहब ही थे। ओके फेवरेट यूट्यूबर, यार यूट्यूबर जितने भी हैं सारे मेरे फेवरेट हैं, ठीक है, लेकिन सबसे जो खास है, सबसे जो प्यारा है पाकिस्तान में बात की जाए, तो वो डेफिनेटली वो है जिसका जिसका काम पैसे दे के भी आप नहीं दे सकते, वो डेफिनेटली मोरू है। तो मोरू
एज एन अमेजिंग आर्टिस्ट यार, बहुत अच्छा आर्ट, मतलब जिसकी जितनी तारीफ की उस बंदे की कम है। सो मोरू इज़ माई फेवरेट इन पाकिस्तान। और उसके अलावा बाहर की बात की जाए तो एक है यूट्यूब पे बेन टी के नाम से, सो उसका काम जाके आपने देखना है, बहुत कमाल यार लड़के, उसका काम जो है ना 25,000 है, 25 भी नहीं है, 25,000 है बस, बहुत अच्छा है, बहुत कमाल। एट द एंड मैं आपको एडवाइस ये देना चाहूँगा कि यार आपके माइंड में जो कुछ भी चल रहा हो, जो कुछ करने का दिल करे वो कर दिया करो यार, मतलब लाइक कोई कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती कि प्लान किया जाए, ठीक है, हमेशा चीज़ें अनप्लान्ड अच्छी होती हैं, लिटरली प्लान चीज़ें जो होती हैं वो आप अंदर से दिल से नहीं कर रहे होते। इसलिए मैं जितने भी ब्लॉग्स करता हूँ मैं रेंडमली करता हूँ, ठीक है, बस माइंड में थोड़ा बहुत सोच लेता हूँ और क्यूज़ वगैरह होते हैं, बाकी जो भी काम करता हूँ मैं दिल से करता हूँ और दिल से ही करूँगा, और काम अच्छा भी होगा तो कभी दिल से ही होगा, ठीक है। ये लिखने लुखने वाला काम मुझसे बहुत काम होता है, अच्छी बात है लिखना, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके माइंड में जो कुछ भी चल रहा है, जिस तरह आपने ब्लॉगिंग करनी है ब्लॉगिंग करें, आपने ट्रैवल करना है ट्रैवल करें, वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ टू इट राइट नाउ। ट्रैवल नहीं करना क्योंकि आजकल सीन्स ऑफ हैं, सो ये मेरी एडवाइस है बस। तो उम्मीद है कि आपको आज के इंट्रोडक्शन का जो चक्कर था ये सारा पसंद आया होगा। तो मिलते हैं जी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में कोई अगली कहानी के साथ, कुछ और चक्करों के साथ। तब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।